हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एक हिमालयी नदी के बारे में, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक, तो आइए देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। ये कुछ मैप बना हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ पर नेपाल देश है, ये आपका एक भारत का राज्य है, इसका नाम है सिक्किम। ये जो दिख रहा है इसका नाम है सिक्किम, और यहाँ एक देश दिख रहा है भूटान है, भारत से सटा हुआ है। और इस साइड में आपको मिलेगा उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड नेपाल सिक्किम भूटान के इस साइड यानी उत्तर की तरफ अगर देखें तो ये है पूरा इलाका, क्या चीज़, तिब्बत। और तिब्बत किसके अंडर में आता है, तो चाइना में, या चाइना कह सकते हैं। ठीक, तो तिब्बत में हमको देखना क्या है, हमको देखना है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। किसका देखना है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम देखना हमको। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है तिब्बत में, अगर आप देखें तो दो झीलें हैं पास ही पास, एक का नाम है राकस ताल और दूसरे झील का नाम है मानसरोवर झील। जहां पर ये दोनों झीलें हैं वहीं पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है आंगसी ग्लेशियर। कहीं कहीं बुकों में आपको नाम मिलेगा आंगसी ग्लेशियर, या कहीं कहीं आपको ग्लेशियर का जो नाम मिलेगा वो मिलेगा चेमा युंग डुंग। दो नाम है, कहीं कहीं कुछ दूसरा नाम है और कहीं कुछ दूसरा। पहला आपको मिल जाएगा किताब में जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, और दूसरा क्या ग्लेशियर का नाम है, तो यहाँ है चेमा युंग डुंग। ग्लेशियर का क्या नाम है, चेमा युंग डुंग। कुछ किताबों में क्या लिखा गया है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है वह मानसरोवर झील के समीप स्थित आंगसी ग्लेशियर में से होता है, और कुछ किताबों में लिखा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है मानसरोवर झील के समीप स्थित चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से होता है। तो कुल मिला के जो भी ऑप्शन आपके पास रहेगा उसको लगा सकते हैं, या अगर ऑप्शन में हो कि किस झील से निकलता है तो आप मानसरोवर झील लगाएंगे। ठीक, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है यह होता है मानसरोवर झील के पास से। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, क्यों, चूंकि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का जो लोकल नाम है वह दूसरा है, इंटरनेशनल लेवल पर जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है यह क्या है, ब्रह्मपुत्र है। लेकिन अगर हम बात करें तिब्बत की भाषा में, तिब्बती लोग उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सांगपो, इसको कहते हैं सांगपो, या इसी का अन्य जो नाम है जांगबो, इसी का अन्य क्या नाम है, जांगबो। यानी तिब्बती लोग, ब्रह्मपुत्र नदी तो इसका नाम इंटरनेशनल लेवल पे है, लेकिन तिब्बती लोग इस नदी को कहते हैं सांगपो या जांगबो, और पूरा इसका नाम है यारलुंग जांगबो। ठीक, जो भी हो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। क्वेश्चन अगर आए कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है तो हम क्या कहेंगे, सांगपो या जांगबो के नाम से जाना जाता है। आपको बताया गया है हिमालय के बारे में, अगर हिमालय याद हो तो आप देखेंगे ये उत्तराखंड, नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है, और इसी पर क्या स्थित है, हिमालय। यानी कि जो हिमालय है उसके उस पार से आ रही है मानसरोवर झील से कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो हिमालय के समानांतर या पूरब की दिशा में बहती हुई आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, यह दक्षिण में मुड़ती है, कितना किलोमीटर चलती है, तो कुल मानसरोवर झील से लगभग 1100 किलोमीटर, मानसरोवर झील से लगभग 1100 किलोमीटर यह पूरब की ओर चलती है, और इसको क्या है, इस साइड में क्या, दक्षिण में ढाल मिलता है, और ये तुरंत निकल लेती किधर, दक्षिण की तरफ। अगर आप इस राज्य को देखें तो ये जो राज्य दिख रहा है, इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ये जो बीच वाला दिख रहा है, ये बीच वाला राज्य कौन सा है, तो असम है, भारत का राज्य। असम के बगल में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है राज्य, नागालैंड है, और असम के बगल में मणिपुर है, असम से छू रहा है त्रिपुरा, और असम से छू रहा है मिजोरम, और ये वाला है मेघालय। यानी कि ये पूर्वोत्तर के जो सेवन सिस्टर स्टेट हैं ये सभी के सभी हैं। तो अगर हम बात करें कि जो तिब्बत है, तिब्बत से सबसे पहली बार भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है किस स्टेट में
पहुंचती है या प्रवाहित होती है, तो ये तिब्बत का एरिया है। और ये जो सबसे पहला स्टेट जिसमें नदी प्रवेश कर रही है, यह कौन सा है? तो यह अरुणाचल प्रदेश, यानी कि तिब्बत से दक्षिण की तरफ से मुड़कर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, अभी क्या है, इसी पर आपका हिमालय है, यानी कि हिमालय को काट कर क्या है, ये आ रही है किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पर अगर आप जाके पहला वीडियो देखें जिसमें हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में बताया गया है, उसमें आपको बताया गया था अरुणाचल प्रदेश में भारत की सबसे एक पूर्वी चोटी है जिसका नाम था नामचा बरवा। नाम क्या था इसका? नाम था नामचा बरवा। नामचा बरवा की जो ऊंचाई थी 7756 मीटर थी, और इसी नामचा बरवा के बीचों बीच से नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इसको जहां से नामचा बरवा को काट कर ये आ रही है इसको कहा जाता है नामचा बरवा गार्ज। ठीक, आपको बताया गया था कि नदियां क्या करती हैं? गार्ज का निर्माण करती हैं। लेकिन गार्ज का निर्माण होता कहां है? तो ऐसी नदियां जो हिमालय के उस पार से आ रही हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र हो गया और एक सिंधु नदी है और गंगा नदी है, ये सभी के सभी नदियां क्या करती है? हिमालय को काट कर आती है और बीच में पर्वत चोटी की जो नदी जहां से प्रवाहित होती है उसमें वी आकार की घाटी की तरह संरचना बनती है, उसको कहते हैं गार्ज। यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो कहां से? नामचा बरवा गार्ज से प्रवेश करती है। तो तिब्बत से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी पहुंची कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि भारत के पहले स्टेट में प्रवेश की किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो तिब्बत में तो इसका क्या नाम था? सांगपो या जामगो था, लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में जो लोकल लैंग्वेज है यह हो जाता है, इसका नाम क्या नाम होता है? तो इसको कहते हैं दिहांग। इसको क्या कहा गया? दिहांग, या इसी को कहा गया सियांग। ध्यान दीजिएगा, यहां पर नाम इसका क्या हो गया? चेंज हो गया। तिब्बत में क्या था? तो सांगपो या जांगबो था। अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश किया इसी का क्या नाम हो गया? दिहांग या सियांग हो गया। आगे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से निकल कर या पहुंच रही है, चूंकि ये स्टेट कौन सा है? ये असम है, और असम में प्रवेश करती है या पासी घाट में, असम में प्रवेश करती है पासी घाट में। जब ये असम में प्रवेश करती है, असम में प्रवेश करने के बाद यहाँ इस नदी का जो नाम पड़ा, क्या चीज़? असम में भी इसका नाम क्या हो गया? बदल दिया गया, और यहाँ पर इसका क्या नाम पड़ा? ब्रह्मपुत्र। यहाँ का क्या नाम पड़ा? ब्रह्मपुत्र नाम पड़ा। तो जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, उसका नाम असम में ही केवल क्या है? ब्रह्मपुत्र है, लेकिन यह इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। अगर हम देखें इसके बगल से दो नदी आपको दिख रही होंगी, यानी कि ये क्या है? दिहांग या सियांग है। इसके बगल से एक इसकी सहायक नदी आ रही है, इस सहायक नदी का नाम है दिबांग। इसका नाम है दिबांग। ध्यान दीजिएगा, चूंकि अभी आपको क्या बताया गया? अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका क्या नाम है? दिहांग या सियांग है, और इसी के प्रोनाउंसिएशन जैसा एक अन्य क्या नाम हो गया? दिबांग हो गया। चूंकि क्वेश्चन में यही लोग गलती करते हैं, जब कभी क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो चूंकि प्रोनाउंसिएशन दिहांग दिबांग एक जैसा है और गलती करके लोग क्या करते हैं? दिबांग लगा देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दिबांग नदी जो है वह दिहांग की एक क्या है? सहायक नदी जैसी है। क्यों? क्योंकि ये दिबांग है, आ रही है, और इसी के बगल से एक नदी और आ रही है जिसका नाम है लोहित। ये नदी है जिसका नाम है लोहित। ठीक, तो दिबांग और लोहित नदियां आपस में आके मिल रही है कहां पर? ये असम है। असम में मिलने के बाद दोनों नदियों का सम्मिलित धारा क्या होता है? तो वो मिल जाता है किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बताया गया कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या है? दिहांग या सियांग है, और दिबांग इसकी क्या है? एक सहायक नदी है। ठीक, आगे अगर देखें, जब असम में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है और इसकी सहायक नदियां दोनों आके मिल रही हैं, यहीं पर देखेंगे
आपको बताया गया था कि नदियां क्या करती हैं, कटान लगाती हैं। कटान कहाँ लगाती हैं? तो नदी के पास जब एनर्जी ज़्यादा होती है, ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो नदियां क्या करती हैं, मिट्टी को काटती हैं, यानी दाएं से भी काटती हैं, बाएं से भी काटती हैं और नीचे से भी काटती हैं। लेकिन नदियों के पास ताकत जब ज़्यादा होती है, जितने ताकत उतने मिट्टी काटती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैदानों मिट्टी की अपेक्षा जो चट्टानी मिट्टी होती है, इसको नदियाँ काटने में असमर्थ होती है। क्यों? क्योंकि मैदानी मिट्टी जो होती है वो आपस में एक लूज बांड के द्वारा जुड़ी होती है इसके मिट्टी के कण, जबकि जो चट्टानी मिट्टी होती है वो क्या होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, तो नदी काट नहीं पाती है। ऐसे ही सेम जब ये असम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक जिला आ जाता है जिस जिले का नाम है माजुली। इस जिले का नाम है माजुली जिला। और इस जिला के पास प्रवेश करने के पहले ही, चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, ये जो मिट्टी है कठोरता से जुड़ा है, इसको काट नहीं पाती है। तो जब नदी काट नहीं पाएगी उस चट्टान को, लेकिन नदी को क्या करना है, आगे प्रवाहित होना है। तो जब ये पहुंचती है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, जब माजुली को काट नहीं पाती है, तो ये क्या होती है, दो शाखाओं बट जाती है। एक शाखा एक साइड से, दूसरी शाखा एक साइड से होके पुनः आके आगे क्या होती हैं, मिल जाती हैं। तो यहाँ जो क्षेत्र है, जो चारों तरफ से नदी के द्वारा घेर दिया गया है, उसको कहा जाता है नदी द्वीप। दोस्तों, द्वीप क्या होता है, तो किसी स्थल खंड का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, किसी स्थल खंड का वह भाग जो चारों तरफ से जल से गिरा हो, इसको द्वीप कहा जाता है। तो यहाँ जो आपका स्थल खंड है माजुली, वह नदी के जल से गिरा है, इसलिए इसको क्या कहा गया, नदी द्वीप कहा गया। और माजुली नदी द्वीप जो है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो हम क्या बताएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। आके ब्रह्मपुत्र नदी असम से होते हुए प्रवेश करती है, असम से कहां पर, तो बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में इस नदी का, ये देखिएगा ध्यान से, ये जो देश दिख रहा है यह बांग्लादेश है। और बांग्लादेश में जब यह नदी आती है, प्रवेश करती है, तो यहां पर इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। इसका क्या नाम है, जमुना नाम है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो बांग्लादेश में है, यह भी परिवर्तित होकर क्या क्या हो गया है, जमुना हो गया। तो चार जगह पर इसका नाम क्या है, चार है। तिब्बत में इसका क्या नाम है, सांगपो या जांगबो है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, दिहांग या सियांग है। असम में क्या है, ब्रह्मपुत्र है। और बांग्लादेश में क्या है, तो जमुना नदी नाम है, है ना। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई जो है यह है 2900 किलोमीटर। जो ब्रह्मपुत्र नदी है जमुना के नाम से आ रही बांग्लादेश में। और इधर आपको एक नदी अन्य बताया गया था, गंगा नदी। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी के बारे में भी बताया गया था कि गंगा नदी, ये जो आपको स्टेट दिख रहा है यहाँ से पूरा, ये लेके ये जो स्टेट दिख रहा है, ये वाला एरिया सिक्किम से जो जुड़ा हुआ है, भूटान से जुड़ा हुआ है, यहाँ से लेके ये जो थोड़ा सा पट्टी नुमा एरिया दिख रहा है, यह पूरा क्या है, तो यह है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी प्रवेश करती है, तो गंगा नदी को आपको बताया गया था एक धारा पश्चिम बंगाल से ही क्या होती है, जो हुगली नदी के नाम से आती है सीधे कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। और एक धारा चली जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में गंगा की। इस धारा का क्या नाम पड़ता है, तो इसका नाम क्या होता है, यहाँ पर पद्मा होता। गंगा नदी का जो नाम है बांग्लादेश में वो क्या है, पद्मा है। और ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है, तो वह जमुना है। यानी कि जमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां क्या होंगी, आपस में आके मिलती हैं। और यहीं पर बांग्लादेश में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जो आपको गंगा नदी में बताया गया था। उस डेल्टा का क्या नाम था, तो सुंदरबन डेल्टा था, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, है ना। अगर इसके हम सहायक नदियों के बारे में देखें ब्रह्मपुत्र नदी के, तो आपको क्या बताया गया, दो नदियां आ रही हैं दिबांग और लोहित के नाम से, कहां मिल रही है, असम में मिल रही है। तो दो सहायक नदी कौन होगी, दिबांग हो गया और कौन हो गई, लोहित हो गई। जरा देखिएगा, तिब्बत से एक अन्य सहायक नदी आ रही है, इस सहायक नदी का नाम है सुबनसिरी। इसका नाम है सुबनसिरी।
कहाँ से आ रही है, तो तिब्बत से आ रही है। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में ये कौन सा एरिया, तो तिब्बत है। तिब्बत से कौन सी नदी आ रही है, सुबनसिरी आ रही है। और सुबनसिरी में अरुणाचल प्रदेश से ही एक नदी आके मिल रही है, इस नदी का नाम है कमला। इस नदी का क्या नाम है, कमला। कमला नदी और सुबनसिरी की एक धारा, चूंकि दोनों आपस में आके अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, मिल रहा है, और दोनों फिर आके मिल रही है कहाँ पर, तो असम में ब्रह्मपुत्र से मिल रही है। कितनी सहायक नदी हो गई, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, कमला हो गया। हालांकि कमला जो सहायक नदी है किसकी होगी, सुबनसिरी की होगी। आगे अगर देखें तो ये देश दिख रहा है भूटान। भूटान के उत्तर में क्या है, तिब्बत है। और तिब्बत से जो नदी निकल रही है, इस नदी का नाम है मानस। मानस, इस नदी का क्या नाम है, मानस नाम है। तो मानस भी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और मानस के बगल में देखेंगे एक अन्य नदी आ रही है भूटान से, इसका नाम है संकोषचू। इसका क्या नाम है, संकोषचू। ध्यान दीजिएगा, भूटान में नदियों के पीछे चू लगा होता है, तो यहाँ पर चू का मतलब भूटानी भाषा में क्या होता है, नदी होता है। इस नदी का क्या नाम है, संकोषचू। और एक नदी आप देखेंगे सिक्किम के उत्तर से आ रही है। सिक्किम से उत्तर में क्या है, तिब्बत है। तो तिब्बत से जो नदी आ रही है, इस नदी का क्या नाम है, इसका नाम है तिस्ता। इसका क्या नाम है, तिस्ता नदी नाम है। और तिस्ता नदी निकल रही है कहाँ पर, तिब्बत से। तिब्बत से फिर कहाँ पहुँच रही है, सिक्किम। सिक्किम से फिर कहाँ पहुँच रही है, आपको भी क्या बताया गया, ये जो एरिया दिख रहा है कौन सा राज्य है भारत का, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से होके फिर आ रही है, मिल जा रही है जमुना में। जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम क्या, जमुना है। और ये जो तिस्ता नदी है, ये आके मिल रही किसमें, जमुना में। तो इतनी सहायक नदियां हो गई जो कहां से मिल रही है, सब के सब मिल रही है दाएं हाथ से। ध्यान दीजिएगा, नदियों से कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी दाएं हाथ से मिल रही है, कौन सी नदी बाएं हाथ से मिल रही है, तो जो दो नदियां हैं दिबांग और लोहित, ये कहां से मिल रही है, बाएं हाथ से। और जो सुबनसिरी है, मानस है, संकोषचू है, तिस्ता है, यह किस साइड से मिल रही है, तो दाएं हाथ से मिल रही है। एक नदी अन्य आपको दिख रही है जो नागालैंड से निकलकर और पुनः जाके मिल रही है कहां पर, असम में। इस नदी का क्या नाम है, तो यह नदी है धनश्री। इसका क्या नाम है, धनश्री नाम है इस नदी का, है ना। तो सहायक कितनी नदियां हो गई ब्रह्मपुत्र की, कौन कौन सी नदी सहायक हो गई, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, धनश्री हो गया, सुबनसिरी हो गया, कमला हो गया, मानस हो गया, संकोषचू हो गया, तिस्ता हो गया। क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की जो सबसे पश्चिमी नदी कहलाती है, तो सबसे पश्चिमी जो नदी होगी कौन सी होगी, यह तिस्ता नदी होगी। क्यों, क्योंकि तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र के सबसे पश्चिम में आके क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक, तिस्ता नदी सबसे पश्चिम से आके मिल रही है। ठीक दोस्तों, अन्य जो सहायक नदियाँ हैं किसकी, तो ब्रह्मपुत्र की। जैसे एक नदी का नाम है धनश्री तो हो गया, और एक नदी का नाम है जिया भरेली, एक नदी का नाम है पगला दिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।